मॉर्निंग एंड हैप्पी वीकेंड। तो कल एक्चुअली रात को कुछ गेस्ट आए थे डिनर पे, तो इसलिए पूरा मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो बिल्कुल भरा पड़ा है खाली प्लेट से, और अभी मुझे इसे क्लीन करना है। एक्चुअली जब रात को कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी पार्टीज होता है या कोई भी गेस्ट आते हैं डिनर पार्टी पे, तो मैं रात को इतना प्रेशर नहीं लेती। कल मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी क्योंकि कल सुबह से थोड़ा बहुत मैं किचन में बिजी थी, तो उसके बाद और मन नहीं करता है कि गेस्ट चले जाने के बाद ये सारे चीज़ें निकाल लो, सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करो, इतना भी एनर्जेटिक नहीं हूँ मैं। तो अभी सुबह से इससे शुरू करते हैं, पर उससे पहले कल का जो धुले हुए बर्तन थे वो भी निकाला नहीं हुआ, तो अभी इसे निकालेंगे और आज का जो बर्तन है वो एक एक करके इसमें मैं स्टोर करूँगी। और सेवन माइलों का तो गमला यहाँ पे था। तो ये है हमारा डाइनिंग टेबल का हालत। तो सबसे पहले ये जो टिश्यू है इसे मुझे निकालना है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा फूड यहाँ वहाँ तो रहता ही है प्लेट में, उसे एक साइड में करना है, उससे डस्टबिन में डालना है। डाइनिंग टेबल पे ओनली 4 चेयर्स है, तो और भी स्टूल सारे चीज़ें लेके और भी 5-6 बनाना पड़ा, क्या करें। चाहे टेबल डिनर का हो या लंच का, छोटे छोटे कितने सारे चीजें रहता है ना, ग्लास अलग से लो, छोटे प्लेट्स अलग से लो, स्पून अलग से लो, और जो डिनर प्लेट्स है वो अलग से लो, अदरवाइज बहुत मुश्किल होता है अच्छे से अरेंज करना डिशवॉशर के अंदर। और जो कुछ फूड रेसिड्यू इसमें लगा हुआ रहता है तो वो भी पानी से क्लीन करके उसके बाद ही मैं डिशवॉशर में डालती हूँ, तो अभी लग जाते हैं। तो चलिए टेबल तो साफ हो गया, तो अभी घर का जो पहले दिन का काम है वो कंप्लीट करने के बाद ही चाय हम पीते हैं। ये मेरा उसूल है चाय पीने का कि घर और किचन बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा उसके बाद ही मैं कुछ मतलब दिन का पहला चाय पीऊंगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं चाय को। कल रात और मोबाइल चार्जिंग पे नहीं बिठाना हुआ, तो आज मोबाइल पे चार्ज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा चार्ज कर रही हूँ मोबाइल को एंड थोड़ा सा शूट कर रही हूँ। वीडियो भी मैं नहीं बना पा रही हूँ। एक्चुअली कल रात को याद ही नहीं है कि मुझे मोबाइल चार्जिंग पे बिठाना है। एवरी डे मैं मोबाइल रात को चार्जिंग पे बिठा के ही सोती हूँ क्योंकि सुबह उठने के बाद मुझे ब्लॉगिंग करनी है, पर वो भी कल रात। आज थोड़ा सा सिंपल कुकिंग कर रही हूँ, लंच बहुत ही सिंपल बनेगा और जिसमें इतना ज्यादा तामझाम भी नहीं होगा, जैसे कि डार्क एग पॉपी सीड्स पेस्ट के साथ, पॉपी सीड्स एंड ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है, और जबकि ये नॉन वेज रेसिपी है तो थोड़ा सा अनियन देना तो बनता है, तो थोड़ा सा अनियन मैं इसमें ऐड करूँगी एंड उसके बाद ये डाल दूंगी एंड सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर के साथ हो जाएगा। शॉर्टकट में टेस्टी रेसिपी सीख के रखना जरूरी होता है, काम में आ जाता है कभी कभी। कोई भी भापा रेसिपी जो होता है ना, जो कि स्टीम में हम पका लेते हैं, तो वो सारी रेसिपीज भी बहुत ईजी होता है। श्रिम्प या प्रॉन्स भी आप बहुत ईजी बना सकते हो, मस्टर्ड पेस्ट, कोकोनट पेस्ट, सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके बस एकदम दम में लगा दो, हो जाएगा। कुछ आया है और आर्यन उसका अनबॉक्सिंग कर रहा है। क्या, अरे ओम जी, तुमने ये कब मंगवाई? क्या हाँ, ये हाँ, ऐसे ही अच्छा लगा, सीरियसली थैंक यू वेरी मच। अरे मुझे तो पता है कि यही 3 साइजेस रहेगा, अमेज़न में ये बहुत चल रहा था पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेने के बारे में। मैंने ये कार्ट में भी नहीं रखा पर कहीं ना कहीं ये मुझे पसंद है। ठीक है, कितने सारी चीजें तो पसंद आती है पर मित्र को भी वो पसंद है, कभी ऐसे ले लेंगे, पर मुझे एक्चुअली जरूरत थी, सच बोलो, नॉन वेज स्टोर करने का, फ्रीजर में स्टोर करने का, जो प्लास्टिक के डब्बे मेरे पास थे ना वो अभी धीरे धीरे खराब हो रहा था, तो वो एक्चुअली मुझे जरूरत थी। और इस बार मैं प्लास्टिक का नहीं लूंगी, इस बार मैं ग्लास का लूंगी, एयरटाइट जो प्लास्टिक नहीं घटना चाहिए जिंदगी में, चाहत मतलब जिंदगी में जरूरत कभी नहीं घटना चाहिए, सपने कभी कम नहीं होना चाहिए, तो ही होगा ना, सपने से ही होगा क्या।
योगा से कि योगा से ही होगा ये कपड़ा भरूंगा क्या पैकेजिंग है ये तीन में अलग अलग खरीदने दिया था एक साथ दे दिया ओहो वाओ इतनी अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है पहले कभी ये बॉल अरे 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 गलत फहमी मत पालो मम्मा के सामान में हाथ मत डालो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है जितना पैकेजिंग है हाँ मतलब अच्छा है पर बहुत ही पतला है वो देखो ये देखो बेबी नो 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 बेबी मेरे वाह अच्छा दिख रहा है पर ये जस्ट नाम की लीड है जस्ट ऐसे ये सेट हो जाता है और कुछ नहीं बिस्किट तो दूर की बात है दाल चावल भी नहीं रख सकते वहाँ पे कीड़ा लग जाएगा अगर एयर घुस जाता है ना इसके अंदर तो कीड़ा लग जाएगा इससे मैक्सिमम हम रख सकते हैं पर चावल रखने जैसे इतना स्पेसियस तो नहीं है पर इसमें पास्ता हम रख सकते हैं पास्ता बहुत सारी चीजें जो कि रॉ इंग्रेडिएंट्स हम रख सकते हैं इसमें अच्छा है दिखने में तो बहुत अच्छा है हाँ नहीं पानी कैसे रख सकते तुम भी ना पानी रख सकते इसमें पानी गिर जाएगा ना और ऐसे पानी पियोगे कैसे इसका जो किनारा है ये देखा तुमने पानी पियोगे कैसे पानी का बॉटल जो होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे जैसे मुड़ गया हो ऐसे बेंड है जैसे पानी पीने जाओगे पूरा भीग जाओगे एकदम से मम्मी पापा एंड बेबी ये बैम्बू प्लांट इतना खूबसूरत था जो कोई भी हमारे घर आते थे वही बोलते थे कि कहाँ से लिया है दुर्गा पूजा के टाइम में जब हम कोलकाता गए थे उस टाइम में 15 डेज तक शायद हम वहाँ पे थे 15 डेज तक ना ही बारिश हुआ था ना ही थोड़ा सा भी पानी मिला था इसे और बिस्सा जी के वहाँ हम चाबी छोड़ के नहीं गए थे उस टाइम मतलब हमने रिस्क नहीं लिया कि छोड़ के जाए या ना जाए थोड़ा सा कंफ्यूज थे एंड ये पूरा बैम्बू प्लांट एकदम से सूख गया था एक भी छोटा सा लीफ ही यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता उसके बाद राइस वाटर डाल के आज देखिए ये जो छोटा सा लीफ है ये पुदीना ही है उस दिन एकदम छोटा सा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और आज कितना प्रॉपर दिखाई दे रहा है पुदीना का जो लीफ है ये भी समझ में आ रहा है अभी हम लोग हैं मैक्स में और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि समर के लिए अभी मुझे कुछ कपड़े चाहिए बिकॉज इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ कि समर के लिए मैंने कुछ शॉपिंग किया है जो पसंद आता है वो लेती हूँ वो अलग बात है पर प्रॉब्लम ये है कि इस साल मुझे ज़रूरत से शॉपिंग करना पड़ा है तो मैक्स में रफ यूज़ के लिए जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं उनमें से कुछ कॉटन का मैंने ले लिया है और अभी थोड़ा बहुत ज्वेलरी देख रही हूँ इसका ज्वेलरी कलेक्शन भी ठीक ठाक है मतलब ऐसे छोटी छोटी चीज़ें समर में अगर आप पहनो तो अच्छा लगता है ना देखते हैं अभी ये भी अच्छा लगता है ना हर जगह आपको दिखाती हूँ मैंने ये तीन ड्रेसेस लिए तीनों के तीनों आपको पसंद आएगा अच्छा है वाह ये तो काफ़ी अच्छा है ये भी तो ये 249 और 199 में भी काफ़ी अच्छे अच्छे ईयर रिंग्स हैं यहाँ पे इसका कलेक्शन भी अच्छा है 299 इसका ज्वेलरी में से मैंने ये लिया है 249 मिथुन टू टी शर्ट्स और मैंने 3 ड्रेसेस प्योर कॉटन का और उसके साथ उसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और स्लीवलेस है तो इसलिए मुझे बहुत पसंद आया और इस गर्मी में ना मोटे मोटे टी शर्ट्स देन ट्राउजर्स और पहन के रहा नहीं जाता बहुत तकलीफ होता है मिथुन गए भी कॉफ़ी लाने तो कुछ कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट यहाँ से करके जाएंगे दिस इज योर्स दिस इज माइन थैंक यू तो ये है मेरा पहला आउटफिट जो कि मैंने लिया है एकदम कॉटन का है कलर भी मुझे बहुत पसंद आया है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि अंदर क्या पहनी हुई हो आपको दिखाई देगा पर एक मैंने लिया है जो कि 20% ट्रांसपेरेंट है तो वहां पे आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेना हो जाएगा इतना ज्यादा नहीं पर 20% है
देन मैंने लिया है ये व्हाइट एंड ब्लू में, ये कॉम्बिनेशन, ये मुझे इतना पसंद आया था कि ये वो ये बोला कि थोड़ा सा ये दिखता है कि आप अंदर क्या पहने हुए हो, कैमरा में ना भी दिखे पर सामने से थोड़ा सा दिखता है, तो इसलिए मैंने क्या किया बेज कलर का शॉर्ट्स पहन लिए ऊपर, नीचे सॉरी और ऊपर तो पूरा कवर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीचे एक शॉर्ट्स पहनना पड़ता है। तो मैक्स में अगर आप खरीदारी करते हो तो ये ड्रेस लेने के टाइम में आपको थोड़ा सा प्रॉपर प्रिकॉशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया है। एंड दिस इज माई लास्ट एंड फेवरेट पीस, तो ये इसका कलर एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी ब्लू एंड व्हाइट में है पर ब्लू का पार्ट ज्यादा है और व्हाइट का पार्ट कम, पर इसका जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट मुझे लगता है समर वाइब देता है, और ब्लू वैसे भी मेरा बहुत ही फेवरेट है, पर दोनों का व्हाइट और ब्लू का डिजाइन सेम है उसके बावजूद भी कपड़ों में मतलब इसका जो फेब्रिक है फेब्रिक में बहुत ज्यादा फर्क है, बिकॉज इसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ये आप नॉर्मल ड्रेस की तरह पहन सकते हो, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। ये लेग देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है ये लेग। कभी कभी ना ऐसे छुट्टी के दिन थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे, कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि वहाँ पे आपको पहुँचना है जाके, पर ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत मन करता है, बहुत दिनों बाद हम एक्चुअली निकले हैं और जाने के टाइम में चाय पी के जाएंगे, यहाँ से चाय या कुछ स्नैक्स कुछ खा के जाएंगे, लस्सी पियेंगे, लस्सी पियेंगे, हाँ गर्मी भी थोड़ा सा लगी है ना तो लस्सी पियेंगे, पर माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। और ये है नंदी हिल के उस तरफ, नंदी हिल तक नहीं गए पर उसके बहुत पहले एक रोड आता है, उस रोड से अगर सीधा जाओ तो लोकेलिटी बहुत कम है और रोड तो एकदम बटर जैसा रोड है, यहाँ पे स्पीड में कार ड्राइव करो, उस टाइम को उस जगह को एंजॉय करो, अमेजिंग, और चारों तरफ इतना ग्रीनरी है ना कि आपका माइंड ऐसे ही फ्रेश हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा शायद एसटीटीआर रोड जो है ना वो एसटीटीआर है, एसटीटीआर रोड, ओके मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि इस तरफ आना कम होता है पर जब लॉन्ग ड्राइव का मन होता है ना तो जान पहचान किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इवन गूगल मैप पे नहीं, जहाँ मन करते चले जाते हैं, और बैंगलोर की थोड़ा सा अगर आउटस्कर्ट में जाएंगे ना तो इतना अच्छा रोड है, मजा ही आ जाएगा। मिथुन गए हैं कुछ ऑर्डर करने, इस रोड पे हम जब भी आते हैं तो द पराठा कंपनी में हम यहाँ पे थोड़ा चाय लस्सी या पराठा, पराठा तो बहुत दिन हो गए नहीं खाए क्योंकि इस टाइम में ऐसे टाइम में यहाँ पे आते हैं ना कि पेट फुल रहता है, एकदम लंच करके आए हैं, वैसे भी शाम हो चुकी है फिर भी लंच करने के बाद ना एकदम से इवनिंग स्नैक्स हल्का फुल्का कुछ खा के फिर हमारा दिन एंड हो जाता है, अदरवाइज यहाँ पे एक पराठा तो खा लेते, बहुत दिन हो गए यहाँ का पराठा भी नहीं खाए हम, परमिशन देखने गए कि कुछ पकड़ा वकड़ा कुछ है कि नहीं, क्योंकि ऐसे रोड साइड में, ये देखिए रोड साइड एकदम से हाईवे है ये, तो रोड साइड में बैठ के अगर आप थोड़ा सा चाय पकड़ा नहीं खाओ तो अच्छा नहीं लगता, पर चाय पीने का कोई मन नहीं है, लस्सी के साथ हम पराठा सॉरी लस्सी के साथ हम पकौड़े खाएंगे अगर मिलता है तो। तो हम लॉन्ग ड्राइव पे तो गए थे पर आने के टाइम में एक कैटरर के वहाँ पे गए थे, बंगाली कैटरर जो कि हमारे यहाँ पे गृह प्रवेश के पूजा के दिन भी वेज पूरा आइटम उन्होंने किया था, देन हमारा जो हाउस वार्मिंग का पार्टी था उस दिन भी क्लब हाउस में हुआ था ना तो उस दिन भी उन्होंने ही किया था, तो आर्यन के अभी थ्रेड सेरेमनी के लिए यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा है तो उनको भी तो एक पार्टी देना बनता है ना, तो वहाँ पे जो लोग थे उनके लिए वहाँ पे किया है और यहाँ पे जो जान पहचान वाले हैं उनके लिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसलिए हम गए थे वहाँ पे खाना ऑर्डर करने है। और क्या कितना प्राइस है उनका जो कॉस्टिंग है एक्चुअली इसको लेके भी डिस्कस करना ज़रूरी है, तो हम मेन्यू में रख रहे हैं जो कि कोलकाता में क्या था ना मेन्यू में, वो पूरा मेन्यू एकदम से कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा ए टू जेड वही हो रहा है, पर होता है ना कि कभी एक ट्रस्ट होता है कि कोलकाता में जो कर रहे हैं वो तो होगा ही अच्छा क्योंकि फुल बंगाली रेसिपी है, और यहाँ पे जो कर रहे हैं यहाँ पे भी बंगाली रेस्टोरेंट है, उनका कुक वगैरह भी बंगाल से है, फिर भी एक वो होता है ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स वैसे का वैसे ही, फिश का जो क्वालिटी है वैसे ही दे पाएंगे कि नहीं, तो
के लिए थोड़ा सा बात हुआ था, जाके हमने बात किया है। खाने में इतने सारे आपका काम किया है, कभी कोई कॉम्प्लेन आया है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार भी ट्रस्ट रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जो आपको चाहिए वो सारी चीजें हम अच्छे से अरेंज करके देंगे। आपके जो गेस्ट है वो खा के उनको अच्छा लगेगा, सेटिस्फाइड होंगे। तो चलो ठीक है। तो इसके लिए मेनली एक्चुअली गए थे वहाँ पे, तो बस वो एक्चुअली कोलकाता से आने के बाद ही इसका हमारा प्लानिंग था कि नेक्स्ट वीक ही हम कर लेंगे, तो ये थ्रेड सेरेमनी वाला जो सारे फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। पर होता है ना कि यहाँ पे 25 पर्सन है हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स, तो उनका किसी ना किसी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर एक वीक में होता है कि वो घर नहीं रह रहे, उनका और कुछ प्लानिंग है। तो सारे लोग एक साथ हो जाए तो ही इस चीज़ का मजा है। पहली बात तो है कि 25 पर्सन, उनमें भी अगर एक दो फैमिली ना आ पाए तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी एक फैमिली नहीं आ पा रहे तो ऐसा अगर करने जाए तो कब जाके ये फंक्शन मतलब ये पार्टी कंप्लीट होगा, कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए सोचा कि ठीक है, उनके साथ तो ऐसे होता ही रहता है। 14th को बंगाली न्यू ईयर है और 13th को हम ये पार्टी रख रहे हैं। एंड अच्छा है ना कि पोला बैशाख में होता है क्या है, सारे बंगाली रेसिपीज हम खाए, वो वाला वाइब आता है एकदम से, छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करके एकदम रसगुल्ला दही तक, मिष्टी दही। तो वही कर रहे हैं, पर दही यहाँ पे हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मिथुन का कहना है कि कोलकाता में ही सारे शॉप में मिष्टी दही अच्छे से नहीं बना सकते, थोड़ा सा खट्टापन रहता है और यहाँ पे क्या करेंगे पता नहीं। तो इसके बदले में आइसक्रीम कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी हमने आइसक्रीम ही किया था कोलकाता में, तो यहाँ पे भी आइसक्रीम कर रहे हैं हम। पर आइसक्रीम या कुल्फी क्या होगा अभी तक डिसाइड नहीं किया, पर वो हमें खरीदने के लिए कहा गया है कि वो लोग अपनी तरफ से नहीं देंगे, कि जो भी आइसक्रीम या ये सब कुल्फी वगैरह जो भी हमें पसंद है वो हम यहाँ से खरीद लेंगे और चाटनी पापड़ तक वो लोग देंगे। तो जब घर पर कोई फंक्शन होता है या होने की प्रिपरेशन होता है उस टाइम में बहुत मजा आता है।